हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, क्या हाल है आपका। फिर से एक बार स्वागत है एक न्यू गेम प्ले में जिसका नाम है डिलीवरी फ्रॉम द पेन। और ये पार्ट टू होने वाला है और पार्ट वन जो आप मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले पार्ट वन देख लीजिए, उसके बाद पार्ट टू देखना, मतलब ये वाला। सो आप यहाँ पे वीडियो एंड कर सकते हैं और वो देख सकते हैं, क्योंकि इसके जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो आपको पहले देखनी होगी कि इसके क्या हुआ था, जो स्टोरी है तो आप पहले वो देख लीजिए फिर यहाँ पे आना। एंड टू दोज हु अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई रिक्वेस्ट यू टू एंड द वीडियो हियर एंड वॉच द पार्ट वन ऑफ दिस गेम प्ले दैट आई अपलोडेड प्रीवियसली। सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट फर्स्ट, देन कम बैक टू दिस वन। दिस इज़ अ पार्ट टू एंड थैंक यू। सो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, मैं आपके लिए अभी आने वाले जो अपकमिंग गेम्स होने वाले काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और मेरे पास बहुत कुछ अभी आइडियाज़ है, मैं मेरे जो इक्विपमेंट्स है उसके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। और सिर्फ मोबाइल की गेम्स नहीं, पीसी गेम्स भी होने वाले। हाँ, मैं भी मुझे भी जो हमारी जो शुरुआत हुई थी वो गेम से हुई थी। सो हमारा भी आपके जैसा ही हाल है। सो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, मैं चाहता हूँ कि आप अभी इसी वक्त पहले आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, बाद में आप देखना। और जो स्पेशली जो मैं इंटरेस्ट हूँ, आपके साथ ये आ ही गया है आइडिया, तो मैं आपके साथ शेयर ही कर ही देता हूँ। एक्चुअली बहुत पहले आया था मुझे, लेकिन जस्ट आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि जो बहुत सारे यूट्यूबर्स तो हैं, लेकिन जो मुझे जो पसंद है वो कोई करता नहीं है। जो गेम प्ले जो मुझे एक्चुअली देखना है वो बहुत कम, और उनसे सूट भी नहीं होता है, पता नहीं क्या है। सो वो ये है कि GTA 5 RP। यस, मुझे GTA 5 बहुत पसंद है, उसके आइडियाज़ बहुत है मेरे पास कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, लेकिन आप उस चीज़ को करने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। अगर आपको वो देखना पसंद है, और बिलीव में वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसके एग्जीक्यूशन जो होने वाला है, जो मैं इसको जिस तरह से आपके सामने लाऊंगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो बस उसके लिए ये है कि आपको मुझे सब्सक्राइब करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे आपकी हेल्प चाहिए वो करने के लिए, तभी मैं आपको आपके सामने मेरा जो प्लान है वो ला सकूँगा। और बिलीव में आप बहुत इन्जॉय करोगे, क्योंकि इस तरह का गेम प्ले मैंने अपने इंडिया में नहीं देखा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं लेकिन वो लोग उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। सो मुझे वो एक्चुअली एग्जीक्यूट करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने उसे लाऊँ। और प्रॉपर RP होगा उसके अंदर, प्रॉपर आप जिस तरह से रियल लाइफ में देखते हो प्रॉपर RP वैसा होने वाला है। सो उसके लिए फर्स्ट एंड द मोस्ट थिंग इज़ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो तो सो अगर आपने पार्ट वन अगर यहाँ तक देखा है पार्ट वन, तो ये पार्ट टू होने वाला है, तो इसे कंटिन्यू करते हैं। जहाँ से स्टॉप किया था वहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। एंड लेट्स गेट स्टार्ट एंड चलो शुरू करते हैं। प्लीज़ यार, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सो हमने पार्ट वन में अपना जो दोस्त था वो ज़ॉम्बी के बीच में ठाठूस हो गया, अभी हम अकेले बचे हैं, अब यहाँ से हमें कंटिन्यू करना है। आई शुड हैव हाउ दिस हैपन, आई एम अलोन अगेन। ये बेचारा फिर से मायूस हो गया क्योंकि अकेला हो गया। एंड दिस इज सैक्रिफाइस फॉर नथिंग। ओके, ये भाई साहब थक चुके हैं, अभी इन्हें सोना है, चलो सो जाइए। और स्टे ट्यून, इसके बाद आपके लिए और केक सरप्राइज होने वाला है। यस, आज ये गेम प्ले के बाद और केक न्यू आने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज आफ्टर दिस देयर इज अ वन मोर अपकमिंग गेम प्ले दैट आई एम गोइंग टू शो यू। एंड लेट्स गेट स्टार्ट। आप सो के उठ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। ओके, सप्लाईज ऑलरेडी मेरे पास है, पर इसे बाद में चेक करते हैं। पहले आप आके कोऑर्डिनेट्स लिसन टू म्यूज़िक। ना ना ना, अभी हम म्यूज़िक नहीं लिसन करना चाहते हैं। ओके, से ट्रायल है, कुछ बनाना है तो बना सकते हैं इक्विपमेंट, अगर कुछ
वेपन्स तैयार करना है, नो टारगेट, मटेरियल, नॉट लर्न, ओह वाओ, ये तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ये क्या है? कमिट करता हम मगर वेट व्हाट बैट नहीं इसके जगह पे ये लेते हैं ना आप जाइए सर अपनी जगह पे और मैं दो नहीं चाहिए एक ही बस है कोका कोला वाओ कोका कोला भी इसके अंदर एंड एंटीबायोटिक्स एक ये भी ले लेते हैं ताकि काम आएगा अच्छा भाई अभी के लिए तो काफ़ी ये मटेरियल फूड मेडिसिन ही है ग्रोसरी कॉम्बैट सप्लाईज के लिए ऐड देखनी है नहीं हमें नहीं देखना है ये म्यूजिक लिसन टू म्यूजिक डैम इफ आई गेट हेल आउट ऑफ यू मे बी आई विल बी सुपरस्टार ओह नो So we ठीक है चलिए तो फिर हम कोऑर्डिनेट्स लेना है शायद से हमें अब आगे चलते हैं ओ मैंने अपने लास्ट वीडियो में मैंने को एक फ्रेंड्स तैयार की थी वो भाई साहब ने यूज़ ही नहीं की ओके बाहर नहीं जा सकते क्योंकि ज़ॉम्बीज़ है यहीं रहकर ट्राई करना है मूव क्या अभी तक जब स्टोरी ही चल रही है तो एक बार फिर से सुना होगा तो सीधा डायरेक्टली स्लिप टिल डाउन कर देते हैं ओ ओके तो ज़ॉम्बी 6 बजे के बाद ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं जाना नहीं है बार व्हाट इट मींस द टाइम टेक्स यू क्या ज़ॉम्बी अटैक किए थे ओके जो हमने जो तैयार की थी फ्रेंड्स उसकी वजह से बचा वरना ये भाई साहब कब के ठाई ठूस हो जाते ओके जितना जल्दी हो सके फिर हाई टेम बर्न बैरियर फैसिलिटीज नहीं बिल्डिंग Not learned, studied. क्या मुझे यही बनाना होगा ताकि अपने आप को कूल रखा जाए न्यूज बेसबॉल बैट मैन्युफैक्चरिंग लेकिन मुझे बेसबॉल बैट नहीं चाहिए ओह वाओ मुझे वेपन चाहिए गिव मी द वेपन क्या पड़ा लॉक्ड जब इसके बारे में आप स्टडी करोगे तो नेक्स्ट अनलॉक होगा फिर स्टडी करोगे तो नेक्स्ट अनलॉक होगा इस तरह शायद लर्न न्यू स्किल्ड
ओके ठीक है। नो टारगेट्स, यस ऑफ कोर्स नो टारगेट्स। ये सब पढ़ाई हो चुकी है, हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। ओके तो शायद हम अब बाहर जा सकते हैं। ओ वेट अ सेकेंड, एंटर शेल्टर, जो फेंस टूटी हुई थी मैंने तो वो बनाया ही नहीं। साइंस ऑफ डैमेज, थोड़ी सी टूटी हुई है, ड्यूरेबल है, यू कैन हैंडल मोस्ट ऑफ द अटैक, ऑलवेज ऑन टू मैन स्टडी योर वॉल। ओके तो मुझे वॉल के बारे में स्टडी करना था, तो एक बार फिर से जाते हैं। कहाँ है वॉल? फैसिलिटीज, बिल्डिंग, बेसिक आर्किटेक्चर। ओके मेरे पास उतने सारे वो वुड्स नहीं है, तो जाके मुझे लाना होगा। वाओ बहुत दूर तक जाना है, किधर जाया जाए? तो नीचे चलते हैं, सर्च। इसका ये जो एनिमेशन है वो काफ़ी अच्छा है कि आपको पूरा चल के मतलब जाना नहीं है, वो डायरेक्टली आप एक जगह से दूसरी जगह पे खाली आपको बस वहाँ पे जाके इंतज़ार करना है। ये ज़ॉम्बी उधर ही देख, इधर देख रखो। ओ वाओ दो शॉट में गया, एक ही शॉट में समझा था मैं तो। ये ऑटोमेटिकली स्नेक मोड में जाता है, तो आपको वरी होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू लेडी, हमने आपको मुक्त कर दिया आपके हे हो से, आप आराम से सो जाइए। कुछ भी नहीं है यहाँ पर, व्हाट इज दिस, ये क्या? ओके कुछ भी नहीं है। वाओ इसकी जो बूट्स की जो आवाज़ है इतनी लाउड है कि कोई भी ज़ॉम्बी आ जाएगा। ओ यहाँ पर कुछ, ओ यहाँ बहुत बड़ा ज़ॉम्बी है, इसको यहाँ बुलाते हैं ना, आवाज़ सुन के आएगा शायद। ओ बैकपैक फुल हो चुका है, मैंने 6 पैकेट्स ले लिए इसके, ये मैं खा सकता हूँ, तो इसे एक जगह खाली होगी। प्लांट्स, ओ वाओ तो आपको मैनेजमेंट सोच समझ के करना होगा। क्या मैं इक्विप कर लिया, लेकिन फिर भी हटा नहीं, क्या किया जाए? इसकी इन्वेंटरी तो काफ़ी छोटी है यार, मुझे वो वायर भी चाहिए था और वो प्लांट, चलो ठीक है प्लांट इट्स ओके। हमसे तो फुल कर देते हैं इसे। एक आया कॉटन बैंडेज, ठीक है अगर मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे देख लेंगे। सो अगर आप कांट टेक ऑल द आइटम्स इन वन टाइम, ट्राई मैप मेमोरी फंक्शन। मैप मेमोरी फंक्शन, ओके
आई थिंक ये आपको वो बता रहा है कि रास्ता कहाँ पर जाना है। वो ऊपर जाने के लिए भी एनिमेशन। ओ ज़ॉम्बी और वेरी गुड, क्या बात है ज़ॉम्बी, ये ले अब बस करते रहो, ही हो हा हो, डिस्टर्ब हो रहा है इधर। ये बेसमेंट में कहाँ जा रहा है? वेट व्हाट, ओ यार चलो ठीक थे, आगे ही चलते हैं। इसको मुझे बाहर निकालना होगा, इसको यहाँ पर ही बुलाता हूँ। अरे बाप रे, बैग पर लिख फुल, मुझे अपने वेपन के अलावा कुछ लेना नहीं चाहिए था। काम करता हूँ, वापिस जाकर वापिस आता हूँ क्योंकि मुझे इन सब सामान की बहुत ज़रूरत है। एज यूजुअल, अब जब मुझे पता नहीं था कि इतना आगे जाने के बाद कि मुझे ऐसा मैनेज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, अब वापिस आके हम वापिस आते हैं। अब मुझे यहाँ पे अपना पूरा सामान, सिर्फ अपने वेपन्स के अलावा सब कुछ रख देना है। तो वाओ, ऑटोमेटिकली सिर्फ एक बैंडेज। अगर मुझे अगर किसी ज़ॉम्बी ने अगर गलती से नहीं अगर मार दिया तो उसके लिए मुझे एक बैंडेज चाहिए, लेकिन ये बैंडेज यूज़ नहीं करेगा मेरे ख्याल से। उसके बदले में मेरे पास सबसे ज़्यादा चिप्स है, मैं चिप्स ले लेता हूँ। अभी उतना भी वो टफ आया नहीं है, और ये भी रख देता क्योंकि वेट व्हाट, ओके रिमूव कम हियर, वही के चाहिए अभी, और ज्यादा नहीं चाहिए। लेट्स गो, काफी देर हो चुकी है, वापस जाना है। Go to the Smith Hospital. ये काफ़ी बहुत सारे इसके पार्ट्स बनने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे स्टार्टिंग से ही पसंद आ रही है। और मैंने पहले आई थिंक इसके यहाँ पर गया था, इसके अंदर था, इन्वेंट्री फुल होने के कारण मुझे मिला है। सो इक्विप, अब हो, मैं चाहता हूँ कि एक के ऊपर एक स्टैक हो। मैं कुछ ट्राई करना चाहता हूँ, क्या ये ज़ॉम्बी देखेगा मुझे आते हुए? वेट व्हाट, नो 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 नो, ओह सॉरी सॉरी ज़ॉम्बी भाई साहब, हमने हमारे बैक में से ये इक्विप किया ही नहीं। व्हाट, इसे कैसा पता चल गया कि मैं वहाँ हूँ? मैं तो छुपा हुआ था। ठीक है, अरे निकल वहाँ से निकल, हाँ उधर जा, वेरी गुड, एंड ये ले छाबड़ी के बखलोल, सो जा आराम से, बहुत आवाज कर रहा है तो। यार कितना एकदम, जो फर्स्ट पार्ट में मेरा एक साथी था जिसने मुझे बचाया था, उसके बिना एकदम पता नहीं क्यों एकदम खाली खाली जैसा लग रहा है। वेट, नहीं, एक के ऊपर एक स्टैक होना चाहिए था। एक सेकेंड, मेरी हेल्थ तो काफ़ी ठीक है, उधर डैमेज मैंने ज़्यादा लिया नहीं है। ओके एक बार फिर से सर्च कर लेते हैं, शायद मुझे और कुछ मिल जाए, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ यहाँ पे। नहीं, यहाँ पर कुछ है, मैप में मुझे कुछ इधर दिखा रहा है यहाँ पर, लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहा है।
यहाँ पे तैयार स्टेज अब इसको जाएंगे कैसे नीचे, बता तो रहा जाए लेकिन जाए कैसे, ये बीच में ब्लॉक है, एनिमेशन तो हो रहा है बता जाने के लिए बता रहा है लेकिन फिर क्लोज हो जा रहा है। आई डोंट नो समथिंग इज रॉन्ग आई गेस, पता नहीं क्या हो रहा है। अभी आपके पास मल्टीपल डोर्स है जब जा सकते हैं, ठीक है हम दूसरी जगह पे चलेंगे अभी। हाँ इसके अंदर मल्टीपल डोर्स है, अगर एक 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 डोर पे अगर ज़ॉम्बी खड़ा है तो आप दूसरी जगह से जा सकते हैं। ओए वेट वेट वो 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 इसको इधर बुला ही लेता हूँ। ए हेलो ज़ॉम्बी इधर आ, उसे आवाज़ ही नहीं आ रही है। बैकपैक इज फुल, सिंथेटिक मटेरियल शेप्ड मोल्डिंग रिप्लेसिंग स्टोन वुड मटेरियल एक्सेट्रा प्लास्टिक। ये एक्चुअली मुझे चाहिए क्या, क्या मैं इसे हटा सकता हूँ? ठीक है द ट्रूथ स्टडी न्यूज़पेपर। अबे न्यूज़पेपर झापड़ी के न्यूज़पेपर नहीं होना, हटाओ न्यूज़पेपर को। व्हाट इज दिस हब सीड टू ग्रो इन ग्रीन हाउस कंडीशन आर इनसफिशिएंट हब्स एंड एज मील और एड इन हील। हाँ हाँ हील चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए मुझे, ये हटाओ। ठीक है डबल सिंपली वाट ओवर रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ्टन यूज इन कंस्ट्रक्शन। ओके ये चाहिए मुझे। वाइडली यूज हब दैट कैन डिफाइन टू मेक मेडिसिन और ट्रीट डिसीज, ये पहले चाहिए। वे ज़ॉम्बी काट लेंगे तो बचेंगे वैसे। फैब्रिक व्हाट यूज इन हाउस होल्ड एंटी क्लोथिंग एंड एसेसरी लाइफ कंटेनर फॉर वेपन क्लीनिंग मेंटेन। ए हम लोग बाद में पिकअप करेंगे वे। यार इसमें मैं इसकी इन्वेंट्री इतनी छोटी है कि मुझे वापस जाकर मुझे वापस आना होगा या फिर मैं ही कुछ भूल रहा हूँ। यहाँ पर भी एक कैबिनेट है, इसे सर्च कर लेता हूँ कि इससे पहले मैं जाऊँ। ओके तो आइटम एक के ऊपर एक स्टैक हो तो रही है लेकिन अगर कुछ न्यू चीज़ है तो स्टैक नहीं करेगा। करंट हेल्थ एकाप्लिप्स फाइल वेरी हेल्दी, हेल्दी भी नहीं वेरी हेल्दी। आप अपने कैरेक्टर ऑटो पे भी लगा सकते हैं। अभी इसके बारे में मुझे कुछ सोचना होगा। एक ही वेपन है, अपने इन्वेंटरी को क्या मैं अभी से नहीं बढ़ा सकता? लगता है मुझे वापस जाना ही होगा। ओके देखिए मैं एक काम करता हूँ, ये जो रिपीटिवनेस जो रिपीटेटिव है तो आपको देखना नहीं पड़ेगा, मैं एडिट कर दूंगा उसे। तो आपको सिर्फ उतना ही देखना है जितनी स्टोरी है। ओके क्विकली एड, शायद अब मैं बना सकता हूँ जो फ्रेंड्स मुझे बनानी है। स्किल मैन्युफैक्चरिंग लेंस स्किन कलेक्शन स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, नहीं ये नहीं चाहिए मुझे। स्किल ट्रेड निडल पोक थ्रू क्लोथ, नहीं ये भी नहीं चाहिए। मेटल आर्ट क्राफ्ट फॉर प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स स्टोरेज, हाँ ये चाहिए स्टोरेज के लिए ही मुझे चाहिए। लर्न मैन्युफैक्चरिंग स्किल, लर्न बेसिक ये भी हो जाएगा। बेट
plank, swing, basic swing. What? Okay, learn to make bandages with sterilized lightweight fabric. ठीक है, क्योंकि zombie survival है तो आपको बचे रहने के लिए ये सीखना है. New skill unlock, study. Oh wow, new backpack. ठीक है ठीक है ठीक है. So आपको यही करना है कि आपको ये जितने भी ऑप्शन आएंगे इधर आपको स्टडी करना है तो इसे अपग्रेड होते जाएगा. वुडन, लर्न टू मेक वुडन बेड विद क्रॉस सपोर्ट स्ट्रैप्स अटैच टू द फ्रेम माउंटेड बाय स्टडी. नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे. वेपन सीखना है मुझे, गिव मी द वेपन. तो अभी हम वेपन सीख रहे हैं, ये भी धीरे धीरे मेटल. ओके, बेसिक लर्निंग इन क्रिएटिंग. ओके, क्योंकि अब मॉडिफाई करोगे ना अपने वेपन्स को, एनहेंस करोगे और ज़्यादा पावरफुल बनाओगे. बेसिक लॉक पिक 108 minutes. कम ऑन मैन, अब शायद मुझे इससे मदद मिलेगी. लेवल टू मैन्युफैक्चरिंग स्टेशन, न्यू स्किल लेवल टू मैन्युफैक्चरिंग. ओके, तो हमारे पास बहुत कुछ आ चुका है. स्टडीड, लर्नड, ये भी हमने सीख लिया. डैगर, अब ये सब सीखना बाकी. इसके लिए शायद मुझे और बहुत सारे इक्विपमेंट्स लाने होंगे. और सिर्फ अभी एक ही हुआ है. गिव मी द वेपन्स बैक, मुझे वापस अगर जाना है तो मुझे सीखना होगा फिर से. ये दोनों सेम है तो एक के ऊपर एक स्टैक हो जाओ. पता नहीं क्या हो रहा है. वेट, मेरा फिर भी ये स्लॉट इतना छोटा क्यों है. कॉम्बैक्ट, आई थिंक ये वाला वेपन ही काफ़ी स्ट्रांग है. और पोअर अटैक पावर, ओ नहीं नहीं नहीं, चॉपिंग ब्लो विद नाइस अटैक पावर. अटैक पावर इम्प्रूव लाइफ स्पैन, वाटल एक्स्ट्रा डैमेज, यस हमें यही चाहिए. आयरन बार, बेटर चांस टू इंटरप्ट ज़ॉम्बी अटैक. स्टडी वेपन, अपने स्लॉट्स क्यों नहीं बढ़े. मैन्युफैक्चरिंग, हाई टेम्परेचर बर्न मटेरियल रिक्वायर्ड. गिव मी समथिंग फ्रॉम माय बैकपैक, मुझे बैकपैक के लिए चाहिए. स्प्लिंटर सपोर्ट एंड मोबिलाइजेशन, इंजर्ड लिम, बेसिक ट्रैप, इंसफिशिएंट मटेरियल. कॉम्बैक में सिर्फ एक ही लर्न किया है अभी तक, लेवल अप नहीं है. रिपेयर, ओह रिपेयर पे यहाँ पर है. ओके, तो खाली यहाँ पे, तो यहाँ से रिपेयर यहाँ तो हो गया है या. ओके, रिपेयर हो गया तो आपको वहाँ यहाँ से रिपेयर करके वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है. नाइस नाइस, गुड फीचर. अपने बैकपैक का जो इन्वेंटरी स्टोरेज है वो कैसे बढ़ा. ओ मेरी एनर्जी साहब, भाई साहब, इससे पहले कि आप गिर जा. चिप्स बहुत सारे यार, पहले चिप्स खा तो. मैं चाहता हूँ कि चिप्स खाओ तुम. सर कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते. कम ऑन यार, गिव मी समथिंग. कहाँ पर है अपनी जो इन्वेंटरी है उसे कैसे बढ़ाया जाए. डेस्क, लिमिटेड, लॉक्ड, लर्न, बेसिक मैन्युफैक्चर. नहीं, ये नहीं चाहिए था. स्टोरेज, यहाँ पर दिखा रहे स्टोरेज. तो जब वेट अ सेकेंड, अगर मैंने लेवल अप किया है तो ये ऑटोमेटिकली ही शायद ये वही करेगा जो मैं सोच रहा हूँ. वह जाके देखता हूँ कि वैसा ही है या नहीं. ठीक है सर. कहाँ था, ओके यहाँ पर भी था. सर्च, कमांड फास्ट,
search recall. यहाँ से भी मैंने सब कुछ ले लिया था. नो टारगेट्स. यहाँ पर कुछ नहीं था. तो मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग दिख रही है. आई एम लाइकिंग इट. बस सबको थोड़ा बहुत बैक एंड फोर्थ आपको थोड़ा रिपीटेटिव दिखेगा, लेकिन ये इंडी स्टाइल में है और इसका गेम प्ले ऐसा है कि आपको ज़ॉम्बी सर्वाइवल है तो आपको थोड़ा बहुत तो चलेगा यार. जब तक इंटरेस्टिंग स्टोरी इंटरेस्टिंग है और इसमें सीखने जैसे इतना सब कुछ है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन वर्थ है. ये मुझे देख लेगा. वो ठीक है. आ जाइए सर, आ जाइए, हम आपको मुक्ति देते हैं. इसने मुझे देख लिया. ठीक है. इसे कहते हैं स्किल. जो पहले फर्स्ट गेम प्ले में अगर आपने अभी तक देखा होगा और अब वो देखिए, अब यहाँ पे ये वाले पार्ट टू में अगर देख रहे हो अभी, तो एक सीक्वेंस में वो मुझे ट्रेनिंग दे रहा था कि ज़ॉम्बी को कैसा मारा जाए, और जब अपने स्किल मैंने यूज़ की तो मेरे को आगे बोलते हैं वो लक नहीं, तुम्हारा स्किल नहीं, लक था. गए एक और. किधर है ज़ॉम्बी? ठीक है, बहुत दूर है. भी एक के ऊपर एक स्टैक हो रहे हैं सब. हाँ, एक के ऊपर एक हो रहे हैं. क्या अंदर है? अरे ये न्यूज़पेपर कुछ काम आ नहीं रहा है तो इसे बाजू हटा ही देते हैं ना. टुडे इज न्यूज़ 27th 2017 Saturday, everyone surprised. Matter under police department investigation. ठीक है. Pick all. Basically आपके पास अगर कुछ पेपर है तो आप उसे पढ़ लो तो ऑटोमेटिकली वो आपके इन्वेंटरी में से हट जाएगा. अबे क्यों डर रहा हूँ? ओ यहाँ जा ही नहीं सकता. अगर इस सामने से अगर गए तो क्या मुझे कितना डैमेज लगेगा मुझे? ओके, 3 shots. तो अगर आप सामने से जाओगे तो 3 shots, अगर पीछे से जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली इन 1 shot द ज़ॉम्बीज इज डेड. सेम टू सेम है सिवाय एक को छोड़ के. A construction material, creating tool, weapon, furnishing paper and basic fuel resources. मेरे food tool and weaponry. Oh shit, मुझे वो चाहिए. मैं यहाँ से ये भी नहीं हटा. Synthetic material, shaped and mold, replacing wood stone material, etc. Plastic. यार वो 2 है, ये 8 है. ये बंदे की energy कितनी जल्दी कम होती है बे. के बैकपैक में कुछ है क्या? खाने के लिए कुछ भी नहीं है. अभी सीधा बाहर जाएगा, दूसरे रूम में जाएगा. ओके, तो आगे का रूम है. एक काम करते हैं, जितना भी मटेरियल जो सेम है वो पहले पिकअप कर लेते हैं और फिर बाद में वापस एक बार आके मैं फिर से इन सबको ले लूंगा. आपको ये धीरे से लेवल अप हो गए तो जब आखिर में पहुंच जब लेवल अप हो जाओगे आपका, सबको इतना बार बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी इधर. आई होप सो.
देखते हैं कि मैं यहाँ से जाने से पहले कितना कितना स्टॉक ले जा सकता हूँ। कमॉन कमॉन कमॉन, हिट हिट, नाइस। फिर से सेम, नाइस, ठीक है। इसका डोर कहाँ पर है? यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। ओके, वहाँ कुछ है ही नहीं। ये भी मैंने सर्च किया था शायद से, राइट? आई थिंक सो, मैंने सर्च किया था। यार अपने फ्रेंड्स के साथ खेलोगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगी। इसके बाद ऐसी लग रही है कोई गाड़ी चल रही है। चुबे चापड़ी के, ओके। तो मैं सही जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने सोचा था कि आपको जो मटेरियल, जो सेम मटेरियल है वो एक के ऊपर एक स्टैक होंगे। एक्चुअली ये अच्छी बात है, मैं वही सोच रहा था कि अगर वैसा नहीं होता तो वापस से मुझे जाना पड़ता और वापस से तो फिर बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता एक्चुअली, कि बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हो जाता। लेकिन अभी हम लोग, एक बात अच्छी है कि अगर सेम मटेरियल है तो आपको दूसरी इन्वेंटरी स्लॉट की ज़रूरत नहीं है इसमें से भी कुछ। यस, और ये न्यूज़पेपर तो वही पहले का ही होगा शायद। ओ, ये ज़ॉम्बी हिलता नहीं है अपनी जगह पर, वहीं रहता है। ओ कम ऑन, अरे क्या कर रहा है? अरे ओ माय गॉड, ओके कुछ गड़बड़ दिख रही है मुझे। भाग चलो भाग चलो। बहुत ज़्यादा एनर्जी ख़त्म कर दी तो अब इसे अब सामने से नहीं मार सकते, पीछे से मारना होगा। इधर आ तेरी थल छापड़ी के। एक मुझे मेडिसिन कहीं पर दिखी थी, ये बैंडेज है ना? गिव मी द बैंडेज ब्रो, गिव मी द बैंडेज। एक सेकंड के लिए मैं अपना वेपन रिमूव करके यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, पिक द बैंडेज। अरे मुझे बैंडेज चाहिए था, क्या है ये? पिक द बैंडेज एंड अपना बैकपैक से उतारो। यूज द बैंडेज, वेट व्हाट, किधर गया? यहाँ पर। अरे यार वो कहाँ गया? बैंडेड कॉटन बैंड स्टेलाइज रेडी टू पेन इंजरी। हाँ तुझे अभी वही तो लगा है, यूज़ कर कि नहीं यूज़ कर रहा, वेस्ट। तो ओपन अप अगेन, बैंडेज को हटाओ, टेक माय वेपन बैक, क्योंकि वेपन की ज़रूरत मुझे सबसे ज़्यादा है। इक्विप वेपन, आई थिंक ये लास्ट जॉम्बी था इस एरिया के लिए भी। एक बार ये वाले एक शेफ में मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं पिकअप कर सकता, ठीक है नहीं चाहिए। सो हम यहाँ से वापस चलते हैं हमारे शेल्टर में। ये सामने से मारा ही नहीं, कमाल है। वो 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 हमें अब जाना ही नहीं है, हमें ज़ॉम्बी को छेड़ी करना ही नहीं है, हमारा काम हो चुका है। सुमड़ी में से निकल लो चुपचाप। और क्या कह रिया? हाँ ये वाला लास्ट है। यस, तो इस हिसाब से बहुत लंबी, बहुत
रामशेल हमारे घर वापस आ चुके हैं। इससे पहले तो सब ऐड कर लो और पहले तो आप खा लीजिए सर, आपने बहुत मेहनत की है। वाह, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आपको अपना मैनेज भी करना है, आपका हाउस भी बचा के रखना है, आपको सप्लाई भी ढूंढना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो गाइस, हम इसको यहीं पर सेव करते हैं आज के लिए, और होप आपको अच्छी लगी हो ये गेम। इसको मैं कंटिन्यू करने की सोच नहीं रहा हूँ, एक्चुअली इसे कंटिन्यू करूँगा। आई एम लाइकिंग इट वेरी मच, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको पेशेंस से खेलना है, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो आपके फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। एंड मेरे पास फ्यूचर के कुछ प्लान्स है, मैं अगले वीडियोस में आपसे शेयर करता जाऊंगा। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है वो है आपका सपोर्ट। मैं चाहता हूँ कि आप अभी इसी पल आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। यस, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और क्लिक दी बेल आइकॉन, तो मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और वीडियो को यहीं एंड करते हैं। And for the new viewers, thank you so much for watching. And this was the part 2. Expect more parts of this. I am actually enjoying it. If you like it, you too can play. As you know, the gameplay name is and the game name is Delivery from the Pain. अगर आपको भी पसंद आती है तो आप भी खेल सकते हो। Android के लिए है, of course. और इसका तो नाम आप जान ही चुके होगे अब तक, Delivery from the Pain. मुझे काफ़ी interesting लग रही है। और थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन प्लीज़ यार, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो। अरे भाई, तो अच्छी लाइन बन गई। ओके देन, सी यू सून। एक इसके बाद आपके लिए और केक है कुछ स्पेशल सा। एंड अंटिल देन।